थोड़ी पीछे कर लो, थोड़ी पीछे। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए महिंद्रा 575 DI XP प्लस ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार ट्रैक्टर है किसान भाइयों। आज इसके बारे में पूरा रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हो ये हमारे देश का ट्रैक्टर है महिंद्रा। हमारे देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और बहुत ही पुराने समय से हमारे किसान भाइयों का साथ दे रहा है। तो आप आज इसका हम आपके लिए रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके बोनेट पर देख सकते हो महिंद्रा 575 DI XP प्लस ट्रैक्टर है ये। भूमिपुत्रा के उसमें आती है ये नाम से। आप देख सकते हो सामने से इसके लुक को भी देख सकते हो किसान भाइयों। सामने माथे पर इसके महिंद्रा का लोगो दिया हुआ है और उसी के नीचे जाली है और उसको भी कवर करके देती है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इस ट्रैक्टर का। कलर भी बहुत ही अच्छा है। क्लासिकल लाइटें लगी हुई हैं इसके अंदर जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसका जो फ्रंट टायर है वो 616 के अंदर आता है। बहुत ही बढ़िया ग्रिप होती है, अच्छी क्वालिटी के टायर देती है कंपनी। आप इसके एक्सल को देख सकते हो, थोड़ा सा ये बैंड करके देती है जिससे कि हर एक तरीके के झटके को ये सह सके। चकोर के अंदर आता है ये। नॉन एडजस्टेबल एक्सल है। लोडेड डोजर के झटके को सहने में बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार है इसका एक्सल। आप इसके स्पैंडल को देख सकते हो, मजबूत है। पावर स्टेयरिंग के अंदर देती है कंपनी इस ट्रैक्टर को। इसके अलावा मैकेनिकल स्टेयरिंग भी ऑप्शनल में होता है। उस पर क्या होता है कि प्राइस वगैरह पे थोड़ा असर पड़ता है ट्रैक्टर के। ये आप देख सकते हो किसान भाई, इसका साइलेंसर बहुत ही ऊंचा और बड़ा देती है जिससे काला धुआं हमारे किसान भाई के चेहरे पे ना जाए। पीछे ये इसका एयर क्लीनर है जो कि 3-स्टेज ऑयल बार टाइप का आता है जिससे कि साफ़ और शुद्ध हवा हमारे इंजन तक पहुँचती है। आप देख सकते हो सिंगल पीस बोनेट के अंदर आता है ये ट्रैक्टर। इसको आसानी से खोला जा सकता है। पीछे का जो मैकेनिज्म है आप देख सकते हो, इंजन का हैवी ड्यूटी मैकेनिज्म बना के देती है कंपनी। या आप इसके कूलेंट को देख सकते हो, कूलेंट इसका ऑटोमेटिक दे रखा है। अगर रेडिएटर में कूलेंट की कमी होती है तो ये उसको ऑटोमेटिक ले लेता है जिससे इंजन को गर्म नहीं होने देता है। ये इसका रेडिएटर की जाली थी, हैवी ड्यूटी और अच्छी क्वालिटी की जाली देती है। ये इसका अल्टरनेटर दिया हुआ है, 32 एम्पेयर का अल्टरनेटर है जो कि बैटरी को चार्ज करता है। उसी के पीछे साइलेंसर दे रखा है जो कि 4 सिलेंडर से बाहर आया हुआ है। उसी के पीछे एयर क्लीनर दिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हो स्टेयरिंग और हाइड्रोलिक का पंप है जो कि अलग अलग है जिससे मेंटेनेंस फ्री रहता है। बैटरी बॉक्स को कंपनी कवर करके देती है जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ सके। नीचे ग्लासे वगैरह दे रखे हैं जो कि हाइड्रोलिक और इंजन ऑयल को क्लीन करके हमारे इंजन को मेंटेनेंस फ्री बनाती है और हमारा ट्रैक्टर लंबे समय तक काम करता रहता है। साइड से बात करेंगे तो किसान भाइयों आप देख सकते हो ये इसकी ग्लासी दे रखी है जो कि डीजल के ऑयल को क्लीन करके और शुद्ध तेल हमारे इंजन तक पहुंचाता है। ये 4 सिलेंडर के अंदर आता है ट्रैक्टर। 47 HP का ट्रैक्टर है। 2979 CC का इसका इंजन है। 200 RPM पे काम करता है। बॉस कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है इसके अंदर किसान भाइयों। बेल्ट वगैरह आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं इसके अंदर। नोजल वगैरह आप देख सकते हो बहुत ही मजबूत हैं। इन्हीं की मदद से हमारा जो डीजल है हमारे 4 सिलेंडर इंजन तक जाता है और हमारे इंजन को ताकत मिलती है। ये इसकी ग्लासी वगैरह और हील दे रखी है, ये हमारे डीजल को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हैं और शुद्ध तेल हमारे इंजन तक पहुँचाती हैं। ये इसका स्टार्टर दे रखा है। सेल्फ स्टार्ट के अंदर ये ट्रैक्टर आता है किसान भाइयों। कुल मिला के बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर बना के दे रही है कंपनी हमारे किसान भाइयों के लिए। इसकी जो डीजल टैंक की है वो 50 से 55 लीटर की आती है। 6 साल की वारंटी देती है कंपनी। कंपनी को पूरा विश्वास है कि हमारा ट्रैक्टर बहुत ही मजबूत है और ज़बरदस्त है, इस वजह से 6 साल की गारंटी देती है कंपनी। ये इसका पायदान दे रखा है, बहुत ही अच्छा पायदान है। माता बहन छोटा भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी आसानी से इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। ये इसका क्लच दे रखा है, सिंगल और ड्यूल क्लच दोनों के ऑप्शनल में होता है ये ट्रैक्टर। आपका मन करे किसी में भी आप ले सकते हो इसको। इसके अलावा किसान भाई ये ब्रेक और पैर की रेस वगैरह दे रखी है इस ट्रैक्टर की। ऊपर से आप इसके स्टेयरिंग को देख सकते हो। डीजल टैंक की मैंने बताई 50 से 55 लीटर की आती है। ये इसका अल्टरनेटर दिया हुआ है, क्लस्टर मीटर दिया हुआ है किसान भाइयों जो कि आपको टेम्परेचर वगैरह दिखाएगा, हर एक चीज़ इंडिकेट करेगा। ये इसके बटनों के कंट्रोल वगैरह हैं। यहाँ आप किसान भाई इसमें अपना फ़ोन चार्ज कर सकता है, महिंद्रा भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये सेंटर शिफ्ट गियर
के अंदर आता है किसान भाइयों, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर होते हैं इसके अंदर। मैक्सिमम स्पीड इसकी 31.3 होती है। ये इसका हाई लो का गियर दिया हुआ है। जो इसका गियर बक्सा है वो पार्शियल कॉन्स्टेंट मैश के अंदर आता है, जिससे कि क्या होता है कि झटके वगैरह नहीं लगते और एवरेज भी अच्छी देता है ट्रैक्टर। ये इसके ब्रेक दे रखे हैं किसान भाइयों, ऑयल इमर्ज ब्रेक आते हैं, जिससे कि इसके जो ब्रेक होते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होते और घिसते नहीं हैं। ये इसकी पोजीशन और ड्राफ्ट लीवर दी हुई है, बहुत ही अच्छी सेंसिंग पावर के साथ में आती है। ये पीटीओ का लीवर दिया हुआ है, जिससे हमारे पीटीओ कंट्रोल होती है। साथ ही टूल बॉक्स दे रखा है। मडगार्ड बहुत अच्छा देती है कंपनी, कलर बहुत अच्छा करके दे रही है। मेटेलिक पेंट है इसका पूरा, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। पिछला जो टायर है इसका 14/9/28 के अंदर है। व्हील बेस बहुत ही बड़ा देती है कंपनी। पीछे से बात करेंगे तो हैवी ड्यूटी मैकेनिज्म पीछे का भी है, आप देख सकते हो किसान भाइयों। इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है ट्रैक्टर की वो आती है 1600 kg की, बहुत ही अच्छी बात है ये। और इसके अलावा इसकी जो पीटीओ है वो 6 स्प्लाइंस के अंदर आती है, 540 चक्कर देती है, 540 चक्कर देती है। आर्म इंजन वगैरह आप देख सकते हो, बहुत ही मजबूत है, एडजस्टेबल है। पिछला जो रियर एक्सल है वो बहुत ही कमाल का और हैवी देती है। ऐसा रियर एक्सल आपको बहुत ही कम ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगा। लोडर डोजर के हर एक झटके को सह सकती है। पीछे रिफ्लेक्टर वगैरह दे रखा है, डीलक्स गद्दी के अंदर आता है, रिफ्लेक्टर देती है ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बचाव हो सके। ये चार्जिंग पॉइंट वगैरह दे रखी है, आप इसमें लगा करके रात के समय खेतों में काम कर सकते हो लाइट वगैरह। इसके अलावा किसान भाइयों, इसकी जो कीमत है वो 6.5 से 7 लाख रुपए में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। इसके अलावा किसान भाइयों, कोई भी ट्रैक्टर लेने से पहले उसका ट्रायल जरूर करें और भी जानकारी जरूर इकट्ठा करें। तो धन्यवाद।